हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जीविका सिंह। आज की इस वीडियो में हम रिले के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि रिले की हेल्प से हम लैचिंग और अनलैचिंग कैसे करते हैं। दो एग्जांपल्स दूंगी मैं, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको रिले एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। रिले बेसिकली एक सर्किट को ऑन और ऑफ़ करने के लिए यूज़ होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन और ऑफ़ करने के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं। ये रिले का डायग्राम है, इसकी मैं आपको वर्किंग, इनर वर्किंग और फंक्शनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। ये रिले की कॉइल है, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं रिले के, NC और NO, नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन। ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं ये स्टिल रहते हैं, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स हैं दोनों, जबकि ये जो कॉमन है ये मूवेबल होता है, ये स्प्रिंग की हेल्प से मूव करता है। यहाँ पे कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं है और रिले कॉइल एक्चुएट नहीं हुई है, ऑन नहीं हुई है, तब तक ये जो कॉमन है ये NC के साथ रहेगा, नॉर्मली क्लोज के साथ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करते हैं और रिले कॉइल एक्चुएट होती है, वैसे ही ये जो कॉमन है ये NO की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये मूवेबल है। तो अब हम वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज का क्या है, अगर हम यहाँ पे 24 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट देनी पड़ेगी ताकि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 वोल्ट आए, ताकि ये जो रिले कॉइल है ये एक्चुएट हो पाए, ये ऑन हो पाए, ये सर्किट को ऑन कर पाए। अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं देंगे तो ये जो रिले कॉइल है ये एक्चुएट नहीं होगी, ये ऑन नहीं होगा, ये जो रिले है टोटली ऑन नहीं होगी। अगर सपोज यहाँ पे हम 12 वोल्ट दे रहे होते तो सिमिलर वे होता फंक्शनिंग का, कि 12 वोल्ट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं तो 0 वोल्ट हमें यहाँ देनी पड़ेगी ताकि रिले कॉइल हमारी एक्चुएट हो पाए और रिले हमारी ऑन हो पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 24 वोल्ट दी और यहाँ पे 0 वोल्ट दी, इससे क्या हुआ कि हमारी जो रिले कॉइल है वो एक्चुएट हो जाएगी और जो एक कॉमन है ये शिफ्ट हो जाएगा, NC से NO की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और रिले कॉइल जो है वो ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही इसको ऑफ़ करना है, ऑफ़ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे अगर वोल्टेज सप्लाई हटा देंगे तो जो कॉमन है ये वापस से NC की तरफ आ जाएगा और रिले जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम रिले का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं या रिले किसके साथ यूज़ होती है। मैं PLC का एग्जांपल देती हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता PLC क्या होती है। PLC की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये बेसिकली एक हार्डवेयर होता है जिसे हम लॉजिक की हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। और लॉजिक मतलब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि लैडर लॉजिक का यूज़ करते हैं हम, इसमें फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करते हैं और सिक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट्स का यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली ग्राफ्स होते हैं। और हम इसमें SCL का भी यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो जो कि C++ के सिमिलर होती है। तो हम डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस इसमें यूज़ करते हैं, लॉजिक्स यूज़ करते हैं। ये एक हार्डवेयर है जिसे प्रोग्राम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। तो PLC के साथ रिले का कैसे यूज़ होता है, PLC के साथ हम रिले का कैसे यूज़ करते हैं कि सर्किट हमारा ऑन और ऑफ़ हो पाए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एग्जांपल दूंगी ताकि आप समझ पाओ रिले कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक लैडर लॉजिक है, एक लॉजिक है PLC का, मतलब इतने सारे लॉजिक्स में से एक लॉजिक है जिससे कि हम PLC को कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें लैचिंग और अनलैचिंग होती है। लैचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पैनल है, सपोज़ ये पैनल है, इसमें एक स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है, ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया वैसे ही मेरा जो सर्किट है, वैसे ही जो रिले है वो ऑन हो जाएगी और हमारा सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉप बटन दबाया वैसे ही जो पूरा सर्किट है वो ऑफ हो जाए, तो उसे लैचिंग कहते हैं। स्टार्ट कर देने को सर्किट को, एक बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाए सर्किट तो उसे हम लैचिंग कहेंगे, लैचिंग हो जाना, और स्टॉप हो जाए एक बटन दबाते ही सर्किट तो उसे हम अनलैचिंग कहेंगे। तो लैचिंग और अनलैचिंग करने के लिए हम रिलेज का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब मैं आपको रिले की लैचिंग और अनलैचिंग अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। उससे आपको समझ नहीं आया होगा जब मैंने स्टार्ट और स्टॉप का बताया, उससे ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली क्या होता है कि पहले तो जो हम रिले की कॉइल की जो रेटिंग होती है उतनी ही हम इनपुट में सप्लाई में देते हैं रिले को। मतलब अगर रिले की जो कॉइल रेटिंग है या फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो 12 VDC है, तभी हम इसकी इनपुट सप्लाई में 12 वोल्ट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये एक पुश बटन है, ये नॉर्मली ओपन स्विच भी कह सकते हैं हम इसको, नॉर्मली ओपन स्विच, या फिर ये मतलब ये बेसिकली एक पुश बटन है। पुश बटन क्या होता है कि एक बार हमने इस बटन को प्रेस किया तो हमारा सर्किट ऑन रहेगा, जैसे ही रिलीज़ करा सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, करंट पोजीशन पे आ जाता है वापस से।
ठीक है, तो ये ऑन और ऑफ के लिए, ऑन और ऑफ जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें यूज हो सकता है, मतलब एक बार प्रेस किया तो एलईडी ऑन हो जाए, रिलीज करते ही एलईडी ऑफ हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, जैसे ही हमने पुश बटन दबाया, ये नॉर्मली ओपन स्विच को दबाया, तो ये क्लोज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए हम इसे प्रेस करके रखा हुआ है। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आएगी रिले की तरफ, यहाँ से 0 वोल्ट आ रही है, तो रिले हमारी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही इसको रिलीज़ करा, इस बटन को हमने, मतलब इस पुश बटन को हमने जैसे ही रिलीज़ करा, जैसे ही हटाया अपना प्रेशर इससे, तो वापस से ये नॉर्मली ओपन जो स्विच है, ये नॉर्मली ओपन वापस से हो जाएगा, और जो रिले की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, और फिर रिले हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये है कि कॉन्टीन्यूअसली सप्लाई नहीं हो रही है इससे रिले को, तो लैचिंग के ज़रिए हम कॉन्टीन्यूअसली सप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टीन्यू में आएगी रिले को सप्लाई, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो ऑन रहेगा। तो लैचिंग हम कैसे करते हैं, लैचिंग हम कैसे करते हैं, मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये रिले है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ये वापस से ये नॉर्मली ओपन स्विच है। हम क्या करेंगे लैचिंग के लिए कि कॉन्टीन्यूअसली सप्लाई जाए, इसके और मतलब इसके रिलीज़ होने के बावजूद भी कॉन्टीन्यूअसली सप्लाई जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिले के कॉमन कॉन्टैक्ट, रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं रिले के, नॉर्मली ओपन जिसका सिंबल ये होता है, और एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो हम रिले के जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है उसमें डायरेक्ट एक वायर दें 12 वोल्ट सप्लाई की, डायरेक्ट एक वायर हम रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में देंगे, और रिले का जो दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा टर्मिनल जो है, उसको हम डायरेक्टली रिले की कॉइल में लगा देंगे, या फिर आउट इसके जो पुश बटन या फिर जो एनो स्विच है उसके आउटपुट में लगा दें, तो रिले के कॉइल को डायरेक्टली सप्लाई मिलती रहेगी। अब ये कैसे हो रहा है, ये कॉमन टर्मिनल है और ये नॉर्मली ओपन टर्मिनल है रिले के कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है, ये कॉमन है, ये नॉर्मली ओपन है। यहाँ पर हमने एक बार प्रेस किया, पुश बटन को प्रेस किया, 12 वोल्ट सप्लाई जाएगी, रिले की कॉइल ऑन होगी, रिले की कॉइल जैसे ही ऑन होगी वो क्या करेगी, कॉन्टैक्ट जो है, जो कॉमन कॉन्टैक्ट है, वो किसकी तरफ चला जाएगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था, वो एनओ की तरफ चला जाएगा, और जो ये है ये क्लोज हो जाएगा सर्किट। अब ये क्लोज हो गया तो यहाँ से भी सप्लाई जाएगी, अब यहाँ से सप्लाई जाएगी तो रिले हमारी जो है वो ऑन रहेगी। अगर ये अब रिलीज़ भी होता है, ये अगर अब रिलीज़ भी होता है पुश बटन, ये नॉर्मली ओपन हो जाए वापस से, तो होगा क्या, ये रिलीज़ होने के बावजूद भी यहाँ से सप्लाई जा रही है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली 12 वोल्ट सप्लाई की एक वायर लेके उसे डायरेक्टली कॉमन पे लगा दिया है, कॉमन पे दे दिया है, और इसका इस कॉन्टैक्ट का जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट का जो वायर है उसे हमने डायरेक्टली कॉइल में दे दिया है, या फिर कह सकते हैं कि स्विच के आउटपुट में दे दिया है, तो जिससे कि हमारी रिले कॉइल ऑन रहेगी और ये सर्किट लैच हो जाएगा। अब इसको अनलैच करने के लिए क्या होगा कि मतलब अब हम एक बटन दबाते ही इसे अनलैच कैसे करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज्ड स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑन होगा, ये जैसे ही ये नॉर्मली ओपन, ये जब क्लोज होगा तो यहाँ से सप्लाई जाएगी, यहाँ से सप्लाई जाएगी तो रिले कॉइल हमारी ऑन हो जाएगी, रिले कॉइल ऑन होगी वैसे ही जो कॉमन कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन की तरफ जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। अब ये वापस से अपनी करंट पोजीशन पे आती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ये सर्किट लैच हो चुका है। अब जैसे ही हम अब अनलैचिंग के लिए क्या करेंगे, ये नॉर्मली क्लोज्ड जो स्विच है इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा वैसे ही ये सप्लाई भी कट हो जाएगी, मतलब यहाँ से भी फिर कोई सप्लाई जो है वो जा नहीं पाएगी, वोल्टेज जा नहीं पाएगी क्योंकि ये अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से भी कोई सप्लाई नहीं जा रही रिले की कॉइल को, तो अब जो सर्किट है, जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसे हम अनलैचिंग कहते हैं कि एक स्टार्ट बटन दबाते ही सिस्टम हमारा लैच हो जाए, ऑन हो जाए, ये स्टार्ट बटन है, और एक स्टॉप बटन दबाते ही सिस्टम हमारा, ये स्टॉप बटन, सिस्टम हमारा ऑफ हो जाए पूरा, मतलब अनलैच हो जाए, ठीक है। तो ये बटन्स में और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मली ओपन स्विच बटन है और ये नॉर्मली क्लोज्ड स्विच बटन है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, दोनों में इनमें फ़र्क है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिले लैचिंग, अनलैचिंग और पीएलसी से रिलेटेड। सपोज कि ये एक कन्वेयर बेल्ट है,
ये कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ पे एक 5 एम्पीयर की और ये एक सेंसर है 200 मिली एम्पीयर का। 5 एम्पीयर इक्वल्स टू 5000 मिली एम्पीयर, ये याद रखना, मतलब ये ज़्यादा है, इसकी रेटिंग जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो बॉक्स है, हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा लैडर लॉजिक बनाना है पीएलसी में, मतलब रिले की हेल्प से एक ऐसा लैडर लॉजिक बनाना है हमें कि ये जो बॉक्स है, ये जैसे ही मतलब मोटर स्टार्ट हो और ये बॉक्स मूव करे और जैसे ही यहाँ पे आए, इस सेंसर के टच में आए, जैसे ही ये सेंसर सेंस करे यहाँ पे एक बॉक्स, वैसे ही मोटर हमारी ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हमें एक लैडर लॉजिक बनाना है और रिले का यूज़ करना है, तो वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपल है, लैचिंग और अनलैचिंग करनी है हमें, तो अब हम करते हैं उसे। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा हम लैडर लॉजिक लगाएंगे, सिंपल लैडर लॉजिक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे R1 ऑन हो, जैसे रिले 1 ऑन हो, वैसे ही हमारी मोटर भी ऑन हो और इसके साथ मोटर ऑन हो, और जैसे ही सेंसर ऑन हो हमारा, जैसे ही सेंसर सेंस करे कोई चीज़, बॉक्स सेंस करे अगर वो, तो वैसे ही सेंसर क्या करे, अपना सिग्नल R2 को दे और R2 के ज़रिए R1 हमारी ऑफ हो जाए। R1 ऑफ हो जाएगी तो हमारी मोटर भी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके का हमें लॉजिक बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, लैचिंग करी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल लैचिंग है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे हम 24 वोल्ट दे रहे हैं सप्लाई में। हमने इसे इस स्विच बटन को, इस ये जो पार पुश बटन है NO स्विच का, इसे जैसे ही ऑन करा, यहाँ रिले कॉइल पे पावर जाएगी, सप्लाई जाएगी, कॉइल ऑन हो जाएगी। कॉइल ऑन होगी तो कॉमन जो कॉन्टैक्ट है उसका, वो शिफ्ट हो जाएगा NO की तरफ। और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि डायरेक्ट कॉमन को, इसके जो कॉमन कॉन्टैक्ट है इसको डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट करा हुआ है, सप्लाई वोल्टेज की वायर से, जिससे कि इस पर भी पावर जाती रहे। अब जैसे ही ये, मतलब जैसे ही ये हटेगा, जैसे इस पर से फोर्स हटेगा और ये वापस से नॉर्मली ओपन होगी, जैसे ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा वापस से, तो ये जो रिले वन का कॉन्टैक्ट है ये फिर भी लैच रहेगा, क्योंकि इस पर से तो पावर जा रही है, हमने डायरेक्टली इसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो ये ऑलरेडी लैच्ड है। अब इस R1 को, इस R1 कॉन्टैक्ट को, ये रिले कॉइल तो हमारी ऑन है, लैच हो गई है, ये लैचिंग है, सेम सिंपल प्रोसीजर जो पहले बताया था। तो रिले वन हमारी ऑन है, रिले ये तो लैच हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या करा है कि रिले वन को हमें मोटर के साथ भी हमने लगा दिया है। तो जैसे ही रिले वन का कॉन्टैक्ट, मतलब ऑन रहे, ऑन होगा, जैसे ही लैचिंग होगी, तो यहाँ पे भी हमारी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी। हमने मोटर में लाइन और न्यूट्रल दे रखी है, तो यहाँ पे रिले वन कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा, दोनों सेम ही है, तो हमारी मोटर भी चलने लगेगी। मोटर चलेगी तो हमारा कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ेगा, जैसे उस मैंने डायग्राम बताया था, कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही सेंसर सेंस करेगा उस बॉक्स को, सेंसर में हम 24 वोल्ट और 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो जैसे ही सेंसर उस बॉक्स को सेंस करेगा, वैसे ही वो सिग्नल देगा R2 को। अब R2 क्या करेगा, हमें R2 का जो कौन सा हम कॉन्टैक्ट लगाएं ताकि जो R1 है वो ऑफ हो जाए, हम R2 का NC कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे और इस NC कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये NC कॉन्टैक्ट है R2 का, NC ये R2 का कॉन्टैक्ट है। तो इससे क्या होगा कि ये जैसे ही सिग्नल देगा, जैसे ही ये ऑन, ये कॉइल ऑन होगी तो ये सिग्नल देगा। अब NC क्या होगा, जैसे ही NC पे सिग्नल आएगा ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और ये NC जो है, मतलब NC जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी, ये लैचिंग हट जाएगी और रिले वन हमारी फिर से ऑफ हो जाएगी। रिले वन की कॉइल ऑफ होगी तो ये सारा जो मोटर है वो भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कॉन्टैक्ट हट जाएंगे, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा ये, सॉरी ये भी नॉर्मली ओपन हो जाएगा फिर से, और मोटर हमारी फिर से ऑफ हो जाएगी और पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे ही सेंसर डिटेक्ट करेगा और R2 को सिग्नल देगा, R2 का NC NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने R2 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि जैसे ही इसे सिग्नल जाए वैसे ही ये ओपन हो जाए। तो ये सिंपल सा लैडर लॉजिक था उस एग्जाम्पल के लिए। इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको रिले एक्सप्लेन किया है, रिले के बारे में एक्सप्लेन किया और दो एग्जांपल्स दिए हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि रिलेज में हम लैचिंग और अनलैचिंग कैसे करते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।